वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज है शनिवार, तो मैं सोच रही थी कि थोड़ा सा अपना इंट्रो दे दूं, क्योंकि बहुत टाइम के बाद वीडियो डाल रही हूं, तो लोग मुझसे पूछते हैं कि आप कहां से हैं, आप कहां से हैं और किस तरह का ब्लॉग बनाती हैं। तो मैं गोरखपुर से अनुपमा, और मैं हाउस वाइफ हूँ, और मेरे दो बच्चे हैं, और एक बड़ी वाली है 12th में पढ़ती है, छोटी वाली है 7th में पढ़ती है। तो बच्चों के ही कारण मैंने ये शौक शुरू किया, क्योंकि काफ़ी लोगों की वीडियो में बच्चे मेरे देखते थे और मैं भी देखती हूँ, तो बच्चे कह रहे थे कि मम्मी आप भी ये काम कर सकती हैं। तो बस बच्चों की खुशी के लिए मैंने ये काम शुरू किया है। वीडियो न जाने की कारण ये भी है, क्योंकि मेरा जो है कि यहाँ पे जहाँ पे मैं रहती हूँ यहाँ पे नेटवर्क बहुत वीक रहता है, बहुत ही कम नेटवर्क आता है, तो जिसके वजह से मैं रेगुलर नहीं हो पाती हूँ। और मेरे सब्सक्राइबर भी काफ़ी कम हो गए थे, तो 930 के करीब हो गए थे, उसके बाद से काफ़ी तेज़ी से सब्सक्राइबर गिरने लगे थे, और पता नहीं क्यों ऐसा YT वाले कर रहे थे या कौन कर रहा था, मुझे नहीं मालूम अच्छी तरीके से, लेकिन जिसके कारण मैं काफ़ी दुखी हो रही थी। क्योंकि काफ़ी टाइम देने के बाद अगर आप इस पे देते हैं काफ़ी टाइम, तो हालांकि लोगों को पता होगा, YT वालों को पता होगा कि इतना टाइम देने के बाद से अगर सब्सक्राइबर आपके चले जाते हैं तो कितना दुख होता है आपको, और ऊपर से आँखों की रोशनी चली जाती है, वो अलग। मुझे तो कुछ भी दिखाई नहीं देता, बिना चश्मा के मैं काम नहीं कर पाती हूँ, मतलब इस पे जो भी चीज़ें आती हैं पढ़ नहीं पाती हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं बहुत दिनों पे बाद आ रही हूँ, और मेरे पुराने जो साथी हैं, बहुत ही पहले के जो मेरे साथ स्टार्ट किए थे, उनका चैनल मोनो हो गया और मैं अभी भी यहीं हूँ, तो प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट करिए। और बहुत लोगों को पता है कि मैं काफ़ी दिनों के बाद आ रही हूँ, तो वो लोग भी मुझसे बोलते हैं कि आप रेगुलर ब्लॉग डाला करिए, और आप क्यों नहीं डालती हैं। तो इसी वीडियो के थ्रू मैं उनको बताना चाहती हूँ ये कारण है, तो प्लीज़ आप लोग भी मुझे सपोर्ट करिए, ताकि मैं वहाँ तक पहुँच सकूँ जहाँ आप पहुँच चुके हैं। तो खरगोश की वीडियो आप लोगों ने काफ़ी पसंद की है, तो मेरी बेटी उसे पालती है, और बहुत टाइम से वो लेके आई थी, तो दो खरगोश लेके आई थी पिछले ठंडक में, उसके बाद से अभी ये पिछले महीने बच्चे दिए हैं, तो 3 बच्चे दिए थे, तो उसकी वीडियो मैं बीच बीच में डालती रहूँगी। तो अगर आपको पसंद आए तो मुझे बताइएगा कमेंट करके आपको कैसा लगा ये वीडियो, और अगर आप चाहते हैं कि मैं कुछ और भी शेयर करूँ तो आप मुझे बताइएगा।